ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक शिष्य था, भगवान के पास गया। भगवान को कहता है, भगवान मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उन्नति करना है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में दो थैले देता हूं। भगवान ने कहा, एक थैले को तुम क्या रखना, पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा, जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सबकी बुराई की चिट्ठी बनाकर डाली है। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिट्ठी बनाकर डाली है। लेकिन भगवान ने कहा, जो दूसरे की बुराई को जो थैला है, उसको पीठ के पीछे रखना, उसको बांध करके रखना, ना किसी को दिखाना, ना उसके बारे में तुम खुद सोचना। तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। और तो आगे वाला जो थैला है, भगवान ने कहा, उसको चिटकी को बार बार निकालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, और उस थैले को खुला रखना। बस तुम इतना करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, जाओ, मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। भगवान ने उसको शिष्य को, भगत को वरदान दिया, दो थैले दिए, चला गया। कुछ साल के बाद वो शिष्य क्या करता है, दूसरे की बुराई को थैले को आगे कर दिया, और अपनी बुराई को थैले को पीछे रख दिया, बांध दिया उसको, और दूसरे की बुराई को थैले को खोल दिया, और चिट्ठी निकालता है, खोल के देखता, अच्छा ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। दूसरों को बुला बुला करके सुनाना शुरू कर दिया। जैसे उसने थैले उल्टे के, उसके वरदान भी उल्टे हो गए। वो और ही दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास कुछ साल के बाद फिर चला गया वो शिष्य। कहता, भगवान आपने तो मुझे वरदान भी दिया था, थैले भी दिया था, लेकिन मैं सुखी नहीं बना, मैं और ही दुखी हो गया। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने उस थैले को कहाँ रखा? कहता, भगवान मेरे से थोड़ी कभी कभी भूल हो गई थी, मैंने पीछे का थैला कई बार आगे भी किया था। भगवान ने कहा, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, और कुछ नहीं है। इसी तरह आज हम यहां क्यों आते हैं, क्यों आते हैं यहां? थोड़ा जीवन में सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, जीवन में आगे बढ़ते जाए, इसीलिए तो आते हैं ना। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में दो थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपने बुराई को? लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते? दूसरे की बुराई को आगे करेंगे, और अपने बुराई को नहीं। नहीं, उसके कारण ऐसा हुआ, मैं ठीक हूं, उसके कारण बस वही करा भाई, मैं ठीक हूं, और यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए आज से क्या करेंगे, कभी भी दूसरे की बुराई को आगे नहीं लो, दूसरे का चिंतन नहीं करो। पर चिंतन पतन की जड़ है।